करेरा नगर में सोमवार रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच शिवपुरी झांसी रोड पर फिल्टर रोड के गोलंबर के सामने बने बेयर हाउस के नजदीक बनी 6 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लोग सड़क पर आ गए। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच शिवपुरी झांसी रोड पर फिल्टर गली गोलंबर के सामने वेयर हाउस के सामने बनी दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सिलेंडर फट गया, जिसका धमाका इतना जोरदार हुआ कि धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर पंचायत पुलिस प्रशासन को फोन किया। रात के समय थाना प्रभारी करेरा सतीश सिंह चौहान और करेरा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। ना तो वहां नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पहुंची और ना ही कोई आग बुझाने की वहां व्यवस्था थी। तब जाकर शिवपुरी और नरवर की फायर ब्रिगेड आई। तब कहीं जाकर दुकानें और दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था। लोगों का कहना है कि ये आग वहां नगर परिषद के द्वारा डाले जाने वाले कचरे से लगी है। वहां जिन लोगों की दुकानों में आग लगी, उनमें गोलू खटीक का कवाड़े का सामान, आतिश सोनी मोटरसाइकिल पंचर की दुकान, अवधेश सैन नाई की दुकान, विनोद सैन नाई की दुकान, इमरत सोनी गैस वेल्डिंग रिपेयरिंग की दुकान के साथ साथ पास खड़ी मारुति कार मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। वहीं करेरा SDM दिनेश चंद्र शुक्ला का कहना है कि आग कैसे लगी, कारण अभी अज्ञात है। प्रशासन से जो भी मदद बनेगी, प्रशासन मदद सहयोग करेगा। करेरा से संजय गुप्ता बिलैया की रिपोर्ट। रात को आग यानी घटना घटी है, क्या कहेंगे, करीब 6 दुकानें जलकर गिर गई। कल रात में आप लोगों के माध्यम से ये सारी जानकारी मिली मुझे। मैंने तहसीलदार और पटवारी को भेजा था, वहाँ पर हमारे TI भी मौजूद थे, नगर पालिका के समन्वय भी मौजूद थे। उन्होंने आग को बुझाने में काफ़ी मदद की और समय पर नियंत्रण पा लिया गया। कुछ दुकानें जली हैं, जैसा आप बता रहे हैं। पटवारी हमें सर्वे करके देगा तहसीलदार को, और यदि उसने प्रावधान है RVC 64 में शायद है, तो उनको काफ़ी मदद की जाए। सर, वहाँ लोगों की कहना है कि नगर पंचायत कचरा बगल में डलता है, कचरे से आग लगी और आग फैल गई पूरे में, इस कारण से आग लगी। उन्होंने नगर पंचायत को कई बार अगवा किया है कि मतलब यहाँ कचरा ना डाले, जिससे आग ना लगे। उन्होंने नगर पालिका तो वहाँ शायद कचरा नहीं डालती होगी, ये कचरा तो डालने का काम वहाँ के दुकानदार ही करते हैं। उन्हें इस बात की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, कचरा एक बॉक्स में डालें, किसी डस्टबिन में डालें और फिर वो उठा ले जाए। उनको एकदम मैं सहमत पूरी तरह नहीं हूँ, और कारण अभी अज्ञात हैं कि आग कैसे लगी है, और ज्ञात होने पर भी कुछ कहा जा सकता है। और सर बताया, फायर ब्रिगेड करेरा से नहीं पहुँची, फायर ब्रिगेड नरवर और शिवपुरी की आई करेरा। हाँ, फायर ब्रिगेड बिल्कुल CMO ने वो ख़राब होना है पर कहीं उसको मरम्मत के लिए डाला था, वो शायद सोमवार को कल मतलब आने वाली थी, लेकिन हो सकता है, मैं पता लगाता हूँ क्या कारण है कि वो कल नहीं आ पाई, मरम्मत के लिए गई है, बहुत ही जर्जर हालत में है वो। और ये आग लगी, इसका कारण क्या है? मेरा नाम साहब गया प्रसाद सोनी है और मेरे भाई की दुकान है, और ये आग लगने का कारण आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से शिकायत भी कर रहा हूँ इस चीज़ की। नगर पालिका का जो भी कचरा गंदगी साफ होती है, ये इधर दुकान के पास में डालते रहे, और उसी कारण से कल रात को कचड़े आया, कचड़े में कहीं से आग आई वो हाथ वाली गाड़ी में, और धीरे धीरे वो आग बढ़ गई। और रात को जब जाके पता पड़ा 12-1 बजे, और थाने को फोन लगाया, सबको फोन लगाया, इसके बाद में कोई मशीन की सुविधा नहीं, कोई पानी की सुविधा नहीं, और आग उस लगने का कारण खाली नगर पालिका के पंचायत से है और कुछ नहीं है। आज कचड़ा नहीं गिरा होता तो ये आग नहीं लगती। आपका लगभग कितना नुकसान है? लगभग मेरी तो पूरी दुकान की जितना औजार था, जितना सामान था, जितनी मशीनें थी, पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। गैस वेल्डिंग, लोहे की वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, कंप्रेसर, मोटर और जो सामान भरा हुआ था पूरा ख़त्म है। गाड़ी 4 पहिए की मारुति वैन खड़ी थी, वो भी ख़त्म है जी, आपके सामने डली है। कितने बजे लगी आपको घटना की जानकारी, किसने दी और कैसे पता चला? मेरे को जी आग की जानकारी मिली रात को 11 बजे, और मैं जग रहा था, मुझे जाके बताया किसी हमारे परिचित वाले ने कि तुम्हारी दुकानों में आग लग गई। जब आए देखने तो आग बुझाने की क्षमता में नहीं थे, सब फोन वोन किए लेकिन कहीं कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कितने बजे आई? फायर ब्रिगेड तो वो नरवर से और शिवपुरी से आई, जब आग बंद हो गई। करेरा से कोई साधन नहीं मिला, करेरा से कोई सहयोग नहीं मिला। चलो ठीक, करेरा से कोई पंच। क्या आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या जला आपका सामान बताओ? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का माल डाउट हुआ, दो ठेले थे, कम से कम तो प्लास्टिक गली थी, कम से कम डेढ़ तरफ प्लास्टिक। इधर आप ही कैसी रखी थी प्लास्टिक? यहाँ पे यहाँ सामने दुकान है तो यहाँ पे रखते थे, तो यहाँ का खुले में छोड़ देते थे प्लास्टिक, चारों तरफ बंदा हुआ। क्या किराए लगा था आपने जमीन के? किराए की जमीन थी क्या?
ऐसी लगी थी सब्जी की लगी थी पूरे में बंद कर रखने लगाए थे चटके वगैरह लगाए थे एक सी अतिक्रमण में अतिक्रमण लगाए थे सभी अच्छा अच्छा चलो ठीक है।